आज़ादी के बाद से नवलगढ़ में पहली बार भाजपा है वो जीती है। जश्न भी जोरों जोर से कार्यालय में मनाया जा रहा है। मैं इसी नवलगढ़ के भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम वो कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। जीत के जश्न में ये लोग भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी मेहनत इनकी रही है। आज़ादी के बाद से लगातार भाजपा यहाँ से प्रयास कर रही थी, आखिरकार ये पहली बार यह सफलता मिली कि यहाँ से एक भारी बहुमत के साथ भाजपा है वो जीती है। कुछ यहाँ से पदाधिकारी से बात करें या कार्यकर्ता बात करें, मैं मौजूद हूँ इसी कार्यालय में, चर्चा करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि बड़ी जीत के साथ आज पहली बार नवलगढ़ में कमल खिला। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और नवलगढ़ विधानसभा में, नवलगढ़ विधानसभा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरी नवलगढ़ विधानसभा के तमाम लोगों को, तमाम विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग रहने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका अथक मेहनत के कारण से, उनके प्रयास के कारण से एक इतिहास रचा गया। और वो भी इतिहास ऐसा है कि नवलगढ़ विधानसभा में कभी कमल का फूल नहीं खिला और उसको खिलाने में सबने अपने बहुत बड़ा अहम योगदान निभाया है। और योगदान निभा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्रम जी जाखल को विधायक बना करके राजस्थान के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए नवलगढ़ का निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है नवलगढ़ की जनता कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक काम रुके हुए हैं। जो नवलगढ़ में विकास के काम आज तक नहीं हुए उनमें बहुत बड़ी भूमिका है, यहाँ पर तीव्र गति से विकास के काम होंगे। एक बार पुनः नवलगढ़ विधानसभा की जनता को, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आखिरकार वही हुआ जो लगातार प्रयास भी कर रहे थे कुछ। ये नवलगढ़ की जनता जीत है, ये एक अकेला विक्रम सिंह की नहीं है क्योंकि पहली बार 75 साल के अंदर कमल खिला है नवलगढ़ के अंदर। और इंशाल्लाह जो भी विकास कार्य जो नहीं हुए रह गए वो पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरा करेंगे। वकील जी, जब राउंडों की बात चल रही, 22 राउंड, एक भी राउंड ऐसा नहीं है जो माइनस हुआ, अभी बढ़ती है, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर से, 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 रा
पहली बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीता है। शहर में कस्बे के पूरे में खुशी का माहौल है और ये खुशी निरंतर चलती रहे कि आम जनता का चुनाव था उनके लिए अकेले विक्रम सिंह ने आम जनता बना राजकुमार जी का चुनाव था। राजधानी लोग हैं, जब भूल जाते हैं तो कोई कोई याद नहीं रहते हैं। उसी याद को याद करने के लिए हम बचे हैं। मोर बोले तो मोर कब तो बोल गए राजकुमार जी, बोल रहे थे कबूतर उठेंगे आज हम मोर तारे होंगे। अभी गाने बज रहे हैं, उन्होंने बोला सैनी कबूतर है, कबूतर जी आपका मोर बना के भेज दिया जयपुर मिले। आप देख सकते हैं कि कार्यकाल में कार्यालय में कहीं ना कहीं मिठाइयों का दौर है, शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। जिन सदस्य बीरबल सिंह जी गुदार हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे चर्चा की, एडवोकेट भी हम मौजूद थे, मौजूद थे, लोगों से हमने चर्चा की। कहीं ना कहीं जब कार्यालय में आया तो लंबे समय से गाना बज रहा था, कहीं ना कहीं मोर बोले या कबूतर बोले। उन्होंने बताया कि जीत का ये गाने हैं जो राजस्थान संस्कृति में कहीं ना कहीं सिमट करके हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं बात करूँ तो फिलहाल मैं नवगढ़ के इस भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। मैं जब कई माध्यम से यहाँ जैसे का कार्यक्रम है वो चल रहा है, इधर तो टेम लगा हुआ, उसमें कई प्रकार के गाने बजाकर है कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी ओर बाहर की तरफ ढोल नगाड़े हैं बजाकर, वो भी जश्न मनाया जा रहा है।